हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी दुनिया में। तो ये देखिए, यहाँ मम्मी ने किए हैं आलू के पराठे बनाने के लिए। आलू बॉयल और बॉयल आलू देख के मन चल गया है आलू खाने का। सर्दी है, सर्दी में तो आलू बहुत ही अच्छे लगते हैं, वो भी गर्मा गर्म। तो यहाँ मम्मी ने चटनी भी बनाई है ना, तो बस चटनी देख के आलू खाने का मन कर गया है। तो यहाँ मैं लगाती हूँ प्लेट। और ये बताइए, आप लोग में भी बताइएगा कि आप लोग में से कौन कौन ऐसा करता है, ये वाले आलू बना के खाता है जब भी आलू पराठे के लिए बॉयल होते हैं। मेरे यहाँ तो एक दो लोग तो जरूर खाएंगे ही खाएंगे, फिक्स है। तो मम्मी एक्स्ट्रा ही आलू बॉयल करती हैं। तो ये देखिए, हमने आलू को फोड़ लिया है, मतलब चम्मच से कट कर लिया है। फिर हमने इसमें डाला है सफेद नमक, थोड़ा सा काला नमक, और ये डाला है चाट मसाला। अब ये देखिए, ग्रीन ग्रीन चटनी, यम्मी सी। तो अभी हम इसमें डालेंगे चटनी। यहाँ मम्मी पिट्ठी बना रही थी, तो मम्मी ने इसमें भी थोड़ा थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, नाम के लिए ही सही बट डाल दिया है। तो यहाँ मैंने डाल दी है इसमें ग्रीन चटनी। तो ये देखिए कितने यम्मी से लग रहे हैं। मैं अच्छी सी मात्रा में चटनी डालनी है जिससे ये बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी लगते हैं। ऊपर से हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ फिर मैंने डाला इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर। तो ये देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं ना। तो बस अभी हम इसमें टेक्स्चर के लिए एक चीज़ और डालेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। ये देखिए अब लगे ना कितने यम्मी। और इसमें हम पापड़ी भी डाल सकते हैं। अभी घर पर पापड़ी नहीं थी तो मैंने पापड़ी नहीं डाली है। वैसे मैं इसमें पापड़ी भी डालती हूँ तो बहुत ही यम्मी लगती है। तो आप लोग भी एक बार जरूर बना के ट्राई कीजिएगा, और पापड़ी हो तो पापड़ी जरूर डालिएगा, बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी लगती है। तो ये देखिए हमारी आलू चाट बनके तैयार है। हम इसको आलू चाट या चटनी के आलू कुछ भी बोल सकते हैं, आप इसको क्या बोलते हैं। अगर आप खाद बनाते हैं ये, तो आप इसको क्या बोलते हैं हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम तो इसे चटनी के आलू या आलू चाट कुछ भी बोल लेते हैं, मतलब नाम से क्या मतलब है। ये तो बहुत ही यम्मी, बस टेस्टी टेस्ट होना चाहिए। तो बस ये बहुत ही यम्मी, देखिए कितनी यम्मी एंड टेस्टी लग रही है। तो बस अभी हम इसको करते हैं इन्जॉय और वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। तो अभी हम इसको खा लेते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग भी एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यम्मी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। और फुल सपोर्ट बनाए रखिए चैनल के साथ।